और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल? और आ चुका है तुम्हारा भाई एक और नए सोलो कॉन्करर की वीडियो लेके। और भाई साहब, साथ में टिप भी दूंगा यार, दो चार पांच ऐसे टिप जिससे आपको यार हाई प्लस कर पाओगे यार। और कॉन्करर लॉबी में सर्वाइव कैसे करना है और लैंड कहाँ पे करना है भाई, लूटना कहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कई लोगों का माइनस लग जाता है और हैकर से भी मतलब बचे रहो किसी तरीके से। और यहाँ पर भाई साहब देखते हो यार, सामने बंदे उतर जाते हैं गाड़ी के लिए, तो यार ये गलत सीन हो जाता है सबके साथ। तो आपको भाई ऐसी जगह लैंड करना है मतलब 1500 से 1800 मीटर दूर के आसपास ही। और यहाँ पे भाई साहब जैसे उतरता हूँ दूसरी गाड़ी, भैया बंदा उतर जाता है और बग्गी उसने चला दिया था। तो अब अपन के पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, तो सीधा इसके अंदर जाते हैं, सैक के अंदर गन ढूंढने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मिनी मिल जाती है, और भाई साहब मिनी से देखो यार क्या ख़तरनाक चीज़ होने वाली है। अब यहाँ पे भाई साहब बिना हेलमेट बेस के मिनी की एक बुलेट काफ़ी होती है भैया, और एक ही बुलेट लगती है बंदे को और बंदा बाहर यार। और बंदा यहाँ पे क्या ही सोच रहा होगा, हैकर वैकर तो नहीं बोल रहा भाई, पर क्या ही करे मिनी की भाई एक ही बुलेट में बंदा बाहर होता है। और यहाँ पे एक किल अपने को मिल जाता है और अपन अपने ड्रॉप पर जाएंगे। अपन का ड्रॉप तो जानते हो भाई साहब कहाँ पर जाते हैं, अपन जाजपुर सिटी के साइड में जाते हैं, दिखा देते हैं किस टाइप का रिट्रेशन देते हैं और कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि कई लोगों का रहता है भैया कि अपना ड्रॉप लोकेशन बता दो ऐसा वैसा। तो भाई देख लो, अपन कहीं भी मतलब ऐसे ही जाते हैं, मतलब कंपाउंड से दूर ही जाते हैं जहाँ से स्प्रे ना ले पाए बंदे, और दिखा देता हूँ कहाँ पे जाता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे भाई साहब आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं किस जगह पे आता हूँ गाइस, मतलब ये जॉर्जपुर सिटी भी नहीं है, मतलब जॉर्जपुर सिटी के पीछे वाले कंपाउंड हॉस्पिटल के बगल में। और ये इतने सारे कपबोर्ड होते हैं, अपन आराम से लूटते हैं, और ये जगह अपन ने पहले से डिफेंड करके रखी है। और यहाँ पर भाई साहब मुझे लगता है कि यहाँ पर बंदा होता है, बट यहाँ पर बंदा तो आएगा नहीं, और ये बहुत अच्छा होते हैं तो एक शॉट गन में इनको भी फिनिश कर देते हैं और अपने दो किल यहाँ से हो जाते हैं। तो यहाँ पे लूट करता हूँ, तीन जोन भाई साहब होल्ड करता हूँ, पहले से बता चुका हूँ यार को, आपको तीन जोन तो होल्ड करना है। ये बैंडेज उठा लो, पेन किलर उठा लो, गल में बुलेट कम रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरी टिप हो गई गाइस, और 1500 से 1800 मीटर दूर ही उतरना है और दूर चले जाना है आपको, 3-4 हज़ार मीटर जितनी दूर जा सको उधर जाके आराम से लूट करो। लूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लूट रहेगी तभी आप सर्वाइव कर पाओगे लास्ट के जोन में। और कब आपको भाई रोटेशन देना है वो भी अब बताता हूँ। यहाँ पे अपन भाई थर्ड जोन में एकदम जोन के बिल्कुल एज पे आ गए थे भाई, आपको एज टू एज ही रहना है जोन के, मतलब अपन का तो कॉन्कर हो गया तो इसलिए अपन थोड़ा सा आगे रह के खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और हैकर तो ऑलरेडी आए रहते हैं, आपको तो पता ही है भाई, मतलब क्या ही कर सकते हैं भाई, हर गेम में हैकर देख रहे हो। लॉबी इतनी जल्दी खाली होगी, मात्र 21 बंदे और 2 किल अपने को और मिल जाते हैं। बीच में रिकॉर्डिंग अपन बंद रखते हैं क्योंकि यार पूरी 34 मिनट की रिकॉर्डिंग करने में ज़्यादा स्टोरेज ले लेता है। तो लैंड करते हैं, अगर फाइट होती है अर्ली तो दिखा देते हैं, मतलब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बीच में मतलब जितनी देर होल्ड करता हूं उसको हटा देता हूं और रोटेशन के टाइम। और यहां पे भाई जोन इधर ही साइड बन जाता है क्योंकि यार मुझे लग रहा था उधर बनेगा, और यहां पे जाके सेंटर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद देखो भाई, अब यहाँ पे भाई साहब होल्ड करने जैसे आता हूँ तो यार यहाँ पे एक बंदा ऊपर बग्गी लगा के कहीं और बंदे को मार रहा था, और बंदे अपने को हल्का सा मतलब दिखता है, और अपन एक ब्रश देते हैं स्कैरल का और यहाँ पे बंदा फिनिश हो जाता है। मतलब बंदे को तो पता ही नहीं चला होगा कि जल्दी फिनिश हो गया स्कैरल से, तो इसके लिए तो एक लाइक कर ही देना भाई साहब। और अभी जो फाइट होने वाली है ना भाई, उसके लिए तो लाइक करना ही पड़ेगा। तो देखो यार, तो यहाँ पे नेक्स्ट जोन भी अपने पास ही बन जाता है गाइज, और यहाँ पे एक और जोन क्लोजिंग हो रहा था, 6th जोन शायद यहाँ पे। और देखो भाई साहब, जोन के मामले में अपन समझ रहे हो किस्मत अच्छी कहो या फिर एक्सपीरियंस, दो ही चीज़ कह सकते हो भाई। अपने को पता होता है कि कहाँ किस जगह पे नेक्स्ट जोन बनता है, तो अपन सीधा वहीं पर पहुँच जाते हैं और 2-3-4 जोन अपन वहीं पर गुजारते हैं जब तक टॉप 10 में ना जाए। और देख लो टॉप 10 में आ भी जाते हैं और अच्छे खासे किल भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो जाता है अपने को जाके। और यहाँ पर अब अपने अलावा साथ ही बंदे अलाइव थे और सब अंदर आएंगे और उसके बाद फाइट होगी। तो देखो यार, अब यहाँ पे भाई साहब जोन थोड़ा सा अपने से आगे चला जाता है, मतलब 20-21 मीटर, तो उतना कोई दिक्कत होने वाली थी नहीं। अपने पास बग्गी थी और अपन जोन में जा सकते थे, पर भैया सामने वाला जो बंदा जोन के अंदर था ना, वो हमारी बग्गी के ऐसे की तैसी लगा देता है भैया, मतलब क्या ही बोले यार, बग्गी को फोड़ देता है अपने। तो अपन स्मोक करके जाएंगे पैदल और उस बंदे को कैसे पेलते हैं तो देखो यार।
अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक और बग्गी वाला बंदा आया था, तो सामने वाले शायद उस छोटे वाले घर में कैंप कर रहा हो, तो उस वाले कमरे में नेट करता हूँ, बट वहाँ पे बंदा नहीं होता है भाई। अब यहाँ पे एक बंदा ऊपर था और बाकी 3 बंदे सामने वाले घर पे थे, तो देखो यार क्या ही होने वाला है। मतलब 2 बंदे उधर थे और ये बंदा देखो वाले पे कुछ बोलता है। यार क्या बोलता है सुनो। हेलो ऑल पे, हेलो 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 ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, कैसा लगा? तो यहाँ पे भाई ये हेलो ब्रो कह रहे थे, तो इनको भैया लॉबी में पहुँचा देते हैं एक परफेक्ट ग्रेनेड के साथ। तो ग्रेनेड यार ये पसंद आया हो तो भाई लाइक वाइक कर देना। और यहाँ पे 2 बंदे अपने अलावा हैं होते हैं, और भाई साहब यहाँ पे जो गलत सीन होने वाला है ना यार, उस सीन को देखो, मतलब ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। और यहाँ पे भाई देखो यार, भाई साहब अगर ये बॉडी अपने को न लगती यार और जोन पे न टच होता बार बार, तो यहाँ पे इस बंदे को फ्रीज भी कर सकता। तो ऐसा करता हूँ, आपको गेम प्ले पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।